आज देश भर में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो वाल्मीकि जयंती उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में हर वर्ष ही मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष वाल्मीकि जयंती शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वाल्मीकि जयंती पर हाथरस जनपद के 22 मंदिरों में अखंड रामायण का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हाथरस जनपद के तालाब चौराहे स्थित राम मंदिर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित अखंड रामायण का जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षिकार ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारम्भ किया। इस दौरान CDO RB भास्कर और हाथरस नगर पालिका चेयरमैन आशीष शर्मा कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर में मौजूद रहे। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। देखिए आज आदि कवि वाल्मीकि जी का जन्मदिन है, जयंती है, और इस अवसर पे जो श्री राम जी के मंदिर है, हनुमान जी के जो मंदिर है और वाल्मीकि जो मंदिर है, वहाँ पे रामायण पाठ का और पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। और जनपद में हम लगभग 21 मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं। इसी के तहत यहाँ श्री राम मंदिर पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें बाहर से भी कुछ लोग बुलाए गए पूजा अर्चना के लिए, जैसा कि दर्जनों मंदिरों पर तैयारियाँ चल रही हैं पहले से, और कार्यक्रम भी आज आयोजित किए गए हैं, तो बाहर से भी कुछ लोग बुलाए गए हैं सुंदरकांड और अन्य पूजा पाठ के लिए वाल्मीकि जयंती पर। जी देखिए, जो आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो संस्कृत भाषा में है, और उसके लिए जो कुछ विद्वान पंडित है वो हमने बाहर से बुलाए हैं।